किसी ने सोची नहीं होगी। तो गाइस मेरा नेक्स्ट ईयर की मुझे मारने 10 पुशअप्स। ओ तेरी। तो डन। अजगर क्यों बन गई है? अबे यार। बस घर जाओ। तो है के बाद ले तुम ये मदर चाउड रचारी सत्ता दे शो। हट जाओ अंकल जी। उड़ा देगा मैं तुम्हें। उड़ा देगा मैं तुम्हें। और फिर एक ऐसे पहाड़ा च मैं तारे आंदी चादर लेके सुत्ता। ओह नाइस क्यूट। ओह नाइस। ये पुछते हो बहुत ज्यादा स्किन गाइस मेरे हाथों की बैंड बज गई। आ गया। फूल है कितने प्यारे फूलों से प्यारा तू है पीपल। हो गया जी हो गया। ऐसे दिखा हाथ दिखा। ओ तेरी कसम। तो ये थी मेरी पूरी लुक। बोले चूड़ियां आपको मैं दिखाऊंगी सारे फोटोज। तो ये ब्लॉग में ये सुनते रहना कि मैं नर्वस हूँ मैं नर्वस हूँ। तो गाइज आज आप सबके लिए एक बहुत बड़ी न्यूज है। न्यूज नहीं मतलब खुशखबरी है कि आज मेरे चैनल को हो गया पूरा एक साल कंप्लीट। और आज के दिन ही मैंने अपना व्लॉग करना शुरू किया था। तो आज डेट क्या है? डेट क्या देती है? 16th of June को मैंने अपना व्लॉग बनाना स्टार्ट किया था। और मुझे सच में खुद से याद नहीं था कि आज मेरे चैनल को एक साल हो गया। जो मेरा फ्रेंड है ऋतिक जो आप सब जानते हो उसने मुझे रात को मैसेज किया कि एक साल कंप्लीट हो गया फाइनली तेरे चैनल को ये। और वो लोग शुरू से बहुत बिग सपोर्ट मेरे फ्रेंड मतलब फ्रेंडशिप ग्रुप में वो लोग बहुत बिग सपोर्ट रहे हैं क्योंकि मेरा खुद का चैनल जो मैंने कभी शायद इस चीज़ का मैंने बताया तुम लोगों को या नहीं शायद फर्स्ट व्लॉग में बताया होगा जो मेरा फर्स्ट व्लॉग था उसमें
कि ये चैनल भी मैंने खुद नहीं बनाया था, कि जयगो ने मेरा चैनल बनाया था और उसने कहा था तू व्लॉग्स डालने स्टार्ट कर, तो वो मेरा एक पुश था कि उन लोगों ने मुझे ऐसे सपोर्ट किया और पुश किया, ऋतिक ने, प्रशांत ने और जयगो ने, तीनों ने। और फर्स्ट डे वही तीनों आए थे मेरा व्लॉग बनवाने के लिए और हम लोग गए थे, आज भी मेरे को याद है, शायद एम्बियंस गए थे, सेलेक्ट सिटी गए थे और हम लोगों ने क्यू एन ए शूट किया था, मेरा पहला क्यू एन ए, क्योंकि मुझे अकेले बहुत ज़्यादा ऐसे हो रहा था कि मैं कैसे करूँगी, मैं नहीं कर पाऊँगी, मैं नहीं कर पाऊँगी, तो उनकी हेल्प से मैंने स्टार्ट किया था। और फिर तो रात दुगनी और दिन चुगनी, क्या होता है दिन दुगने रात चुगनी होता है वो, क्या गाइस, फिर तो मैं रुकी ही नहीं, फिर तो मैं रोज ब्लॉग 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 ब्लॉग। और उसके बाद जो सबसे बड़ा सपोर्ट था फैमिली, और फिर थे तुम सब, मतलब मेरी मम्मा ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया, सब ने, पापा ने भी, मम्मी ने भी, सबके कितने ही नाम लूं मैं, कम है गाइस इस व्लॉग में, सबने मुझे काफी सपोर्ट किया, मतलब हर कोई आइडियाज देता था मुझे कि तू ये बना ले, वो बना ले, ये कर ले, और मम्मी भी मेरे को फोर्स करती थी कि उठ जा, रूटीन ठीक कर ले, व्लॉग बना ले, क्योंकि उन सबको मेरे अंदर मतलब कुछ दिखता था टैलेंट कि मैं कर सकती हूँ, और विश्वास था कि मैं कुछ कर सकती हूँ। मैंने एक साल में पूरे 1 लाख सब्सक्राइबर्स भी कंप्लीट कर लिए और प्ले बटन भी एक महीने के अंदर आ ही जाएगा गाइस, मैंने वो अप्लाई जो होता है वो कर दिया है। बाकी मैं बहुत खुश हूँ कि एक साल के अंदर मैंने काफी ज्यादा अचीवमेंट की। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है यूट्यूब जिसपे मैं ऐसे सोचती थी कि मैं अकेले नहीं कर पाऊंगी, पर सबने मुझे इतना सपोर्ट किया। मेरी मम्मा ने कहा कि तू अकेले कर सकती है, तू कर, तेरे अंदर इतनी हिम्मत है, और शायद वही उनका ही इतना ज्यादा सपोर्ट था जो मेरे को ऐसे स्ट्रांग बनाता था। कभी कभी मैंने गुस्से में ऐसे भी सोचा बहुत बारी कि मैं अपना चैनल डिलीट कर दूं, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हो जाती थी कि मुझे कुछ व्लॉग बनाना होता था या कुछ करना होता था तो मुझे समझ नहीं आता था, फ्रस्ट्रेशन में मैं ऐसे बोलती हूँ मैं चैनल डिलीट कर दूंगी, ये कर दूंगी, पर वो सब फालतू पचकानी बातें होती हैं। बाकी मैं आज बहुत बहुत खुश हूँ, मुझे सुबह से ही ऐसी याद आई जा रही है चीजें कि मैंने कितना ज्यादा स्ट्रगल किया है एक साल तक, एक साल में मतलब शुरू वाले फेज में, ऐसे कि मुझे बहुत सही में बहुत ज्यादा डर लगता था। और ये जो मैं हेलो गाइस व्हाट इज अप बोलती हूँ 3 बार, ये भी सोचने मुझे 3 ही मिनट लगे वैसे, क्योंकि मेरे दिमाग में चलता रहता था ऐसी इंट्रो, तो सब आज भी कुछ लोगों को नहीं पता कि मैं क्या बोलती हूँ, तो वो था व्हाट इज अप, मतलब कि कैसे हो या फिर क्या कर रहे हो, आपसे पूछती हूँ मैं, तो ये था। बाकी मुझे बहुत खुशी है कि मैंने एक साल पूरा कर लिया, और मैंने पिछले व्लॉग्स में ऐसे बोला था कि जब मेरा पूरा 1 ईयर कंप्लीट हो जाएगा तो मैं 365 डेज 365 व्लॉग्स शुरू करूंगी, पर फिलहाल तो नहीं, क्योंकि मुझे थोड़ा सा और टाइम चाहिए, मे बी अ मंथ, और उसके बाद शायद मैं 365 डेज 365 व्लॉग्स भी शुरू कर दूँ, पर मैं बहुत खुश हूँ। और अब फाइनली आता है आप लोगों के लिए, थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया, जो मेरे शुरू से और अब तक बने हुए हैं उनको तो बिग 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 थैंक यू। हर वीडियो को लाइक करना, जो मैं कमेंट बोलती हूँ, जो मैं कहती हूँ कि ऐसे कमेंट करो तो तुम लोग वही कमेंट करते हो, अगर मैं कहती हूँ इस वीडियो पे 1000 कमेंट होने चाहिए तो तुम 1000 करते हो, और उसके लिए थैंक यू। और तुम लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा मतलब मोटिवेट किया है, सपोर्ट किया है, और इतने आइडियाज़ दिए कि काजल दी आप ये व्लॉग बना लो, वो ब्लॉग ब्लॉग ये व्लॉग बना लो, वो व्लॉग बना लो, तो आप लोगों का भी तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया गाइस। और जो मैं मतलब बहुत लोगों को बताओगे जो मेरे शुरू से और अब तक जुड़े हुए हैं कि मैंने कितने इंट्रोस चेंज करे अपनी वीडियो पे, पहले मैं लगाती थी, अब तो उस पर कॉपी राइट आने लग गया यार, वरना मैं वही यूज करती, वो तो मेरा फेवरेट सॉन्ग था, मैं ऐड करूंगी इधर और कुछ ग्लिम्स भी ऐड करूंगी अपने पुराने व्लॉग्स के। और जिन लोगों ने आज तक मेरा फर्स्ट व्लॉग नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो जाके जरूर देखना कि मैंने कैसे स्टार्ट किया था व्लॉगिंग करना और कैसे मेरी पूरी जर्नी रही। जो न्यू मतलब जो न्यू सब्सक्राइबर्स हैं और जो न्यू व्यूअर्स हैं, व्यूअर्स जो सिर्फ व्यू कर रहे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, तो वो भी सब्सक्राइब कर लो अब इस चैनल को, तो अब हमारी आगे की जर्नी भी होपफुली बहुत अच्छी जाए, और मैं और एक साल में अब मैं 5 लाख सब्सक्राइबर कर लूंगा 5 लाख मतलब सोचना मुश्किल है, मैनिफेस्ट हम कर सकते हैं, शायद हो जाए, क्या पता आज मैं डबल कर पाऊँ इस बार, तो मुझे उसके लिए डबल मेहनत भी करनी पड़ेगी और डबल सपोर्ट भी चाहिए आप लोगों का। अच्छा लग रहा है गाइस, अभी हम फाइनली नहीं फिलहाल, अभी हम फिलहाल जा रहे हैं दीप्ति मैं जयगो मॉल, क्योंकि मुझे कुछ एक दो कपड़े लेने हैं यार, टी शर्ट्स वगैरह नहीं है बिल्कुल भी पहनने के लिए घर में, तो वो भी लेके आनी है, दीप्ति को भी लेके आनी है, और जयगो को भी कुछ कपड़े खरीदने थे, पता नहीं वो बताएगा आके क्या लेना है। बाकी उसके बाद हम जाएंगे एक थोड़ा सा छोटा सा सेलिब्रेशन करने, आज मम्मी पापा भी नहीं है, वो गए हुए हैं आउट ऑफ दिल्ली। वैसे जब हमें सेलिब्रेशन का कुछ होता है दीप्ति, ऐसे याद सी आती है ना, मुझे पता है कल से ही ऐसे हो रहा था कि यार 100K पे भी नहीं थे मम्मी पापा, फिर मैंने आके चलो मिठाई तो खिला दी थी, पर फिर अब ये हुआ तो उस पे भी नहीं है मम्मी पापा। हाँ, और आज शिल्पा भी नहीं है, शिल्पा साहिल गए हुए हैं, तो आज शाम को हम लोग छोटा सा सेलिब्रेशन करने जाएंगे, क्योंकि छोटी छोटी सेलिब्रेशन बहुत मायने रखती है यार, कर लेनी चाहिए। वाओ नाइस दीप्ति, और ऐसे ही मुझे सपोर्ट मिला है घर वालों का
तभी मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। आगे मम्मी पापा की याद आ रही है क्योंकि सेलिब्रेट करने के लिए होने चाहिए यार मम्मी पापा हमेशा हमारे ऐसे बिग मोमेंट्स पे, क्योंकि इसमें तो होना चाहिए था, उन्हीं का सपोर्ट था तभी मैंने चैनल बनाया और मैं जा पाई व्लॉग्स करने। अगर वही मुझे सपोर्ट ना करते तो आज मैं ना ये कैमरा पकड़ पाती। तो अभी फिलहाल चलते हैं और कुछ कपड़े शपड़े लाते हैं और फिर जाएंगे शाम को डिनर करने सारे इकट्ठे, आपको भी लेके जाएंगे गाइज और लेट्स गो। तो फाइनली इतना लेट कराने के बाद जयगो आ गया। हाँ कोई नहीं, और आज बहुत बहुत मुबारक मेरे चैनल का, चैनल को 1 साल हो गया आपके, बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू गाइस। मुझे तो मेरा यहाँ कुछ नहीं मिला, बट हमने दीप्ति के लिए शॉपिंग कर ली और जयगो ने अपनी शॉपिंग कर लिया और हम दीप्ति का बिल करा रहे हैं और फिर घर जाएंगे फटाफट। हम लेट भी हो गए, 9:30 ऑलरेडी हो गए हैं और हमें कैफे भी जाना है, सो लेट्स गो। तो फाइनली हम सारे तैयार होके निकल चुके हैं जाने के लिए और ऑलरेडी लेट हो गया, 10:30 बज गए और कैफे वगैरह 12:30-1 तक ही ओपन होते हैं, पर कोई नहीं, जितनी देर बैठेंगे खा पी के तो अच्छे से आ जाएंगे। सो लेट्स गो गाइस। और मैं बहुत खुश हूँ आज, मैं खुश हूँ यार, आज 1 साल पूरा एनिवर्सरी है मेरे चैनल की, हम सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। अभी आएगी इसमें, वेरी गुड, कांग्रेचुलेशन राजन। सो गाइज फाइनली हम लोग घर आ चुके हैं और 2 बज गए हैं, काफी थक गए, कैफे गए थे हमने, अच्छे से खाना पीना करा, सब कुछ अच्छे से खाया, अब नींद आ रही है खाने के बाद। और मुझे ये वाला व्लॉग थोड़ा अच्छा एडिट करना है, मतलब मैं आप लोगों को पूरे साल का ग्लिम्स भी दूंगी इसमें कि पूरे साल मैंने कैसे कैसे व्लॉग्स बनाए और मेरी क्या अचीवमेंट्स रही हैं और हर एक अच्छी चीज इस व्लॉग में डालने की कोशिश करूंगी ताकि जो न्यू व्यूवर्स हैं उनको पता चले कि मेरी पूरी जर्नी कैसी थी। और एक बार फिर से थैंक यू सो मच गाइज, आप सबका ये पॉसिबल हो पाया, हमने 1 साल कम्प्लीट कर लिया, मैं बहुत खुश हूँ। बाकी थक गई तो थोड़ा लो गई हूँ अभी तो, क्योंकि हम थक गए गाइज, थक ही जाते हैं वैसे। बाकी इस व्लॉग को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना और मैं जल्द ही 365 डेज 365 व्लॉग शुरू करने वाली हूँ, सो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस। बाकी आज का दिन बहुत ज्यादा हेक्टिक था, मैं सीधा सोने जाऊंगी, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, शब वगैरह। सानू नेड़े ला लाया सी गुची सटियां दिल दे आ मौमे आदतां ने कपियां थोड़े जे आ रूड थोड़े आ रू घंटियां।